सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमसु कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नई नई वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक वैकेंसी। जो वैकेंसी है वह है दुबई की मशहूर कंपनी कवादिर का काम आ चुका है। जी हाँ, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू इसी महीने की 17 तारीख को होगा, यानी कि 17 जुलाई को। जो कैटेगरियाँ हैं वो बताने से पहले बता दूँ कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल अजमली इंटरनेशनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। और ये बता दूँ आपको कि वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग जो है वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1300 दिरहम। याद रखिएगा, जो सैलरी बता रहा हूँ उसी में फूड इंक्लूड रहेगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1300 दिरहम। प्लम्बर चाहिए, सैलरी होगी 1300 दिरहम। वेल्डर चाहिए, टिग वाले, सैलरी होगी 1400 दिरहम। पाइप फिटर चाहिए, गल्फ रिटर्नर, सैलरी होगी 1300 दिरहम। इसका फोल्डर चाहिए, सैलरी होगी 1300 दिरहम, जो कि गल्फ रिटर्नर होने चाहिए। जिप्सम कारपेंटर चाहिए, सैलरी होगी 1300 दिरहम। कारपेंटर चाहिए, सैलरी होगी 1217 दिरहम। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी होगी 1280 दिरहम। मेसन चाहिए, सैलरी होगी 1280 दिरहम। हेल्पर चाहिए, सैलरी होगी 1050 दिरहम। वीज़ा आपका एम्प्लॉयमेंट रहेगा, जो कि 10 दिन के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा, जो कि इंडिया से ही मिलेगा। बहुत ही लोग कहते हैं कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ विजिट टू वीज़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एज जो है आपका 20 साल से ले कर 38 साल तक चलेगा। ड्यूटी टाइमिंग आपका 9 घंटे का रहेगा, प्लस ओवर टाइम, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो याद रखिएगा, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग करना क्या है, पहले तो आपको डेट, जो भी डेट को इंटरव्यू, उस डेट को आपको आना होगा। और अप्लाई करने के लिए करना ये है कि आपको मुझे कॉल करना है। कॉल करने का टाइम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। कॉल करके अपना नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर और ट्रेड, इन सभी चीज़ों की एंट्री करा देनी है, क्योंकि जिसकी एंट्री रहती है उसका इंटरव्यू पहले होता है, और जिसकी एंट्री नहीं रहती है वो ऑन टाइम जिस हिसाब से आएगा उसके हिसाब से उसकी एंट्री होगी, उसके हिसाब से ही वो इंटरव्यू देगा। तो ये फ़ायदे होते हैं एंट्री कराने के और एंट्री ना कराने के। और ये भी होता है, जिसका एंट्री रहता है, अगर मान लीजिए इंटरव्यू पोस्टपोन वगैरह होता है, तो आपको टाइम रहते ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदे होते हैं एंट्री कराने के और एंट्री ना कराने के। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।